हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप घर में रखने के लिए कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ज़रूर से ज़रूर घर में रखनी चाहिए, जो इमरजेंसी में आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक एक कर हमें कौन सी दवा घर में रखना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रखना, उस सभी के बारे में जान लेते हैं। तो नंबर एक, पेंटाप डीएसआर कैप्सूल। दोस्तों, आप इस दवा का यूज तब कर सकते हैं जैसे पेट में गैस बनती हो, या खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, या फिर पेट फूला सा लगे, या फिर पेट में जलन हो, तो आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर ये समस्या आपको बहुत दिन से है तो आप इसको सुबह खाली पेट खाएं। अगर आपको ये समस्या बहुत दिन से नहीं है तो आप इसको खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। नंबर दो, मेफ्टाल स्पास टैबलेट। ये दवा दोस्तों पेट दर्द के लिए होती है, इसलिए आप इस दवा को भी रख सकते हैं। अगर आपके पेट में ऐंठ कर दर्द होता है, या फिर मरोड़ कर दर्द होता है, या फिर सूखा दर्द होता है, तो आप इस दवा को खा सकते हैं दिन में दो बार, सुबह और शाम को। और ध्यान रहे दोस्तों, आपके पेट में अगर जब दर्द रहे तभी आप इस दवा का यूज करें। ये दवा केवल पेट दर्द के लिए है, और बॉडी में अगर दर्द है तो आपको ये दवा नहीं खानी है। नंबर तीन, ओवेरान एसआर 100 टैबलेट। इस दवा का यूज दोस्तों बॉडी में कहीं भी दर्द हो तब किया जाता है, जैसे सर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, गठिया संबंधी दर्द हो, गला में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, आँख में दर्द हो, या फिर सारे बॉडी में चाहे जहाँ दर्द हो, आप इस दवा का यूज कर सकते हैं दिन में दो बार, सुबह और शाम को। नंबर चार, बैंडी प्लस टैबलेट। दोस्तों, ये दवा पेट के कीड़े को खत्म करने के काम में आती है, और आप इस दवा का यूज सुबह खाली पेट चबाकर कर सकते हैं। इसको खाने के पहले दोस्तों आपको सबसे पहले थोड़ा सा मीठी चीज़ें कुछ भी खा लेने हैं, उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट बाद आपको इसे चबाकर खा लेना है। ये दवा मीठी होती है, इसलिए आपको इसे चबाकर खाना होता है। अगर आपके पेट में कीड़े रहते हैं तो आप 2 या 3 दिन तक लगातार सुबह ऐसे ही खाएं, आपके जो भी पेट में ये प्रॉब्लम है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। नंबर पाँच, डेपिन 10 कैप्सूल। दोस्तों, आप इस दवा का यूज अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो तब आप इसको ब्लड प्रेशर लो करने के लिए खा सकते हैं। जब खाना हो तो आपको इसे हल्का सा कट कर देना है, उसके बाद इसमें जो लिक्विड रहे उसे जीभ के नीचे निचोड़ देना है और चूस कर अंदर ले जाना है। 5 से 10 मिनट में दोस्तों आपको जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है वो नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 6, लैसिक्स टैबलेट। दोस्तों, आप इसका यूज तब कर सकते हैं जब आपको पेशाब करने में समस्या हो, जैसे जलन हो पेशाब करने में, या फिर रुक रुक कर पेशाब हो, या फिर बार बार पेशाब आए, तब दोस्तों आपको इस दवा को खाना है। और खाने के बाद आपको लगभग आधा लीटर से कम पानी नहीं पीना है। 15 से 20 मिनट में दोस्तों आपकी ये समस्या एकदम से ठीक हो जाएगी। और नंबर 7, अगर आपके पेट में दर्द रहे, लूज मोशन की समस्या हो, आपको ये दवा तब लेनी है। आपको दवा में मेफ्टाल स्पास टैबलेट, पेंटाप डीएसआर कैप्सूल और एंट्रोकोनाल टैबलेट और टीजर टैबलेट, इतनी दवा लेनी है, और आपको सभी में से एक एक दवा सुबह और शाम को खा लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप अगर पहली खुराक खाते हैं और दूसरी खुराक में खाने के पहले अगर आपका जो ये लूज मोशन का प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाता है तो आपको एंट्रोकोनाल टैबलेट को नहीं लेना है, बाकी सभी में से एक एक निकाल कर खा लेना है। आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी, और नहीं ठीक होती है तो दोस्तों आपको शाम को भी खा लेना है। इसलिए दोस्तों आप इनमें से सभी को एक एक स्टिक रख सकते हैं। नंबर 8, स्टीमेटिल MD टैबलेट। दोस्तों, आप इस दवा का यूज तब कर सकते हैं जब आपको जी मछली हो, या फिर पलटी हो, या फिर चक्कर आए, या फिर सर घूमने जैसा लगे, तो आपको जैसे ही ये सब महसूस हो आपको एक टैबलेट खा लेना है। 5 मिनट के अंदर आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। नंबर 9, डल्कोफ्लैक्स टैबलेट। दोस्तों, आपको इस दवा का यूज तब करना है जैसे लैट्रिन साफ ना हो, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता हो, या फिर ज़्यादा टाइट होती हो, कब्ज की समस्या हो, तो आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। इसे आपको गर्म पानी के साथ दिन में एक गोली खाना है। और नंबर 10, अल्प्रासेफ टैबलेट। दोस्तों,
आप इस दवा का यूज तब कर सकते हैं जैसे नींद ना आती हो या फिर उलझन सा रहता हो, आप इसे खा सकते हैं। इसे खाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। आपको केवल एक ही गोली खानी है और जब नींद ना आए तभी आपको इस दवा को खाना है, या फिर जब उलझन रहती हो तभी आपको इस दवा को खाना है। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दोस्तों जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, आपको यहाँ पर तमाम हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगली हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।